Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. we just make it up. जय श्री कृष्ण राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ तंदुरस्त हूँ मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तो बस सुबह का टाइम है तो बस ये पोहा है वो घर पर नहीं बनाया जो हमारे पास में ही रहते तो वो सुबह के टाइम पोहा इस तरीके से बेचते हैं और शाम के टाइम पानी पूरी तो बस उसी के पास से ये मंगवाया है तो बस चाय बन चुकी है तो आज का नाश्ता है पोहा और चाय तो बहुत ही टेस्टी पोहा बनाते हैं तो अभी तो ये घर से ही लिया है वरना वहाँ पर खा देते तो उसके ऊपर छोटे छोटे कटे हुए टमाटर सेब टोमेटो वो सब डाल कर देते हैं तो आज बहुत ही आलस आ रही थी तो बस ऐसे ही बैठ गई तो कर लेते हैं चाय नाश्ता Up, तो चाहे नाश्ता हो चुका है तो उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में तो ये बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं तो सबके करने हैं आयरन तो वो सब मैं निकाल रही हूँ तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ मेरा बेटा है वो करेगा क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही है तो बहुत सारे कपड़े जो इकट्ठे हो चुके हैं तो इतने सारे कपड़े हैं पहले जब मैं करती थी तो रोज के रोज जो कपड़े धुलने डालती थी वो कर लेती थी लेकिन आजकल जो मेरे बेटे की छुट्टी है तो वो आयरन वो ही कर देता है तो इतने सारे कपड़े जो इकट्ठे हो चुके हैं तो वो बैठ कर करेगा आयरन और मैं मेरा जो काम है वो करूँगी तो यहाँ पर कपड़े निकाले हैं तो बस वही यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ तो ये सारे कपड़े जो मेरे रसबन के हैं जो वो नहीं पहनते वो सब मैं निकालूंगी तो वही मैं चेक कर रही हूँ तो ज़्यादातर तो मैंने अलग ही रखी है लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार ही देती हूँ ताकि पता चले कि कौन सा वो नहीं पहनते तो जो नहीं पहन रहे वो सारे कपड़े मैंने अलग कर कर ही रखे है तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो आयरन कर कर जो कपड़े रखे हुए हैं तो जो ज़्यादातर वो नहीं पहन रहे वो मैं अलग ही रख दिया है ताकि मैं जो अच्छी कंडीशन में है वो मैं किसी को दे देती हूँ तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ जो पहनने लायक होता है वही मैं किसी को देती हूँ ऐसे ही मैं किसी को नहीं देती हूँ कि हम नहीं पहनते हैं तो फिर ऐसे ही टूटे फूटे कपड़े हैं वो मैं किसी को नहीं देती हूँ जो अच्छी कंडीशन में होते हैं वही मैं देती हूँ तो सब कपड़े मैंने पहले एक एक कर कर चेक किए हैं अगर कहीं भी थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि ये फटे हुए या फिर अच्छी कंडीशन नहीं है तो उसको मैं अलग निकाल दूंगी तो ये सारे कपड़े एकदम अच्छी कंडीशन में है तो मैं सब यहाँ पर रख रही हूँ तो जब भी मैं इस तरीके से कपड़ जो साफ़ करती हूँ तो जो कपड़े नहीं पहनते उसको मैं निकाल ही देती हूँ मैं डोनेट कर देती हूँ मेरे कपड़े हो मेरे बेटे के हो मेरे हस्बैंड के हो तो क्योंकि अगर हमें ये वो काम के नहीं हो तो किसी के लिए वो जरूरत हो जाती हूँ किसी को वो काम आ जाता है तो अच्छी कंडीशन में हो वही मैं देती हूँ तो ये सारे शर्ट्स एंड टी शर्ट है वो भी वो नहीं पहनते तो वो मैंने इसी तरीके से सब अलग कर रखे है तो वही मैं निकाल रही हूँ और आप देख सके कितने सारे उसके ये कपड़े हैं और यहाँ पर जो मेरा बेटा आया हुआ था तो मैं उससे बातें कर रही थी तो बस वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए तो सारे कपड़े बाहर निकाल लिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार चेक कर लूंगी कि कोई भी कपड़े ऐसे नहीं है यहाँ पर ये मेरे कपड़े हैं ये मेरे बेटे के हैं तो बस ऐसे ही मैं निकाल दिए और जो अच्छे कंडीशन में नहीं है साइड में रखे हुए ये मैं ऐसे ही फेंक दूंगी इसको मैं किसी को नहीं दूँगी ऐसा नहीं कि हम नहीं पहनते तो टूटे फूटे कपड़े किसी को दे तो ये सारी पहन से आप देख सकते बहुत ही उसकी कंडीशन अच्छी है तो ही मैं दूँगी तो बस इसी तरीके से सारे कपड़े मैंने निकाल दिए है तो आज इतने सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के मैंने निकाले हैं वैसे वो मुझे बोलते है कि तुम्हारे कपड़े इतने हैं कि अलमारी में आते ही नहीं है लेकिन क्या करूँ मैं ऐसे निकालती नहीं और UH वो है कि कपड़े सिलवा कर दो तीन महीने पहनते हैं फिर निकाल देते तो इतने सारे जो उसके कपड़े है वो अलमारी में इकट्ठे नहीं होते हैं और इसीलिए उसकी अलमारी खाली खाली रहती है क्योंकि वो कपड़े इसी तरीके से जो निकाल देते हैं सिलवाते पहनते फिर निकाल देते तो आप देख सकते हैं ये सारे जो पेंट्स है और और साइड में रखे हुए शर्ट एंड टी शर्ट जो मिक्स है वो मैंने गिना है क्योंकि मैं उसको बोल रही थी कि इतने सारे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते तो ये सत्ताईस शर्ट है टी शर्ट और शर्ट मिलाकर उस जोड़ी है तो ये सारे कपड़े है वो मैं डोनेट कर दूंगी तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरीके से उसको भर कर रख दूंगी फिर मेरे हस्बैंड जाकर देकर आएंगे तो इसी तरीके से जो चीज़ें हमें काम में नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए भी वो काम की नहीं है हो सकता है वो किसी के लिए काम की हो तो मैं इसी तरीके से डोनेट कर देती हूँ तो जो भी चीज़ें ऐसा नहीं कि कपड़े में बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से डोनेट करती हूँ मैं कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं शो कर रही हूँ क्योंकि मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अगर हम किसी की एक की भी मदद कर सकते हैं तो करनी ही चाहिए तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ वही है अगर हमारे पास कुछ है थोड़ा सा ही है तो उसमें से हम किसी को दे सकते हैं किसी की हेल्प कर सकते तो करनी ही चाहिए तो मैं इसी बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कपड़े ही देती हूँ और चीज़ें भी देती हूँ लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ कैमरे पर लेकिन मुझे लगा के मेरी बात मुझे रखनी चाहिए अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करनी ही चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा करने के लिए बता रही हूँ ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखाती हूँ कैमरे पर लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि हम हमारे बेटे का बर्थडे वगैरह कुछ भी होता है तो सिर्फ हम हमारे फैमिली होटल में जाते हैं बाकी हम जो इसी तरीके से गरीब बच्चों को या फिर कोई संस्था हो गई या फिर अंधजन यानी कि कोई से बोल नहीं सकते इस तरीके के बच्चे होते हैं वहाँ पर या फिर अनाथालय में इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम हमारे से हो सकता है इतना हम हेल्प करते हैं तो ऐसा नहीं मैं बोल रही कि जो लोग बर्थडे मनाते सेलिब्रेशन करते वो गलत है बिल्कुल भी नहीं सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है अपनी चॉइस होती है लेकिन हम ऐसा ही करते है, जाते हैं हम भी जाते ऐसा नहीं है कि नहीं जाते लेकिन बहुत सारे लोगों को बुलाकर हम इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करते तो जो पैसे होते हैं वो इसी से हम जो सबकी हेल्प कर देते हैं तो हम लोग करते हैं तो किसी को बोलते भी नहीं हमारे फैमिली में भी नहीं पता है तो ये तो आज बात निकली तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जिसके पास हो वो, वो ज़रूर सबकी मदद करे तो इसी तरीके से अगर हम एक की भी मदद कर सकते हैं तो करनी ही चाहिए इतना नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन हमारे पास सौ रुपये है तो हम दस रुपये तो दे ही सकते हैं तो इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से मदद मैं करती हूँ गाय को चारा खिलाना वो सब जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते ही है बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है कि इस तरीके से हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए जितना हमसे हो सकता है उतना करनी चाहिए बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है तो बस यहाँ पर सारा काम मैंने इसी तरीके से कर लिया है अब निकाल दूँगी पूरे घर में झाड़ू और उसके बाद पोछा भी लगा दिया है तो बस सारा घर का काम डस्टिंग वगैरह हो चुका है तो वो करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में तो यहाँ पर खाने की तैयारी वो कर दूँगी तो बस चावल है वो मैं निकाल कर अच्छे से तीन चार बार पानी से वॉश कर कर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी तो यहाँ पर सब्जी है वो भी मैं काट लूंगी तो सब्जी को मैंने काट लिए है और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी क्योंकि वॉश करना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर भी हमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है पत्ता गोभी के अंदर तो बिल्कुल भी मैं इसको ऐसे जो तड़का नहीं देती हूँ तो बस इसी तरीके से मैं छलनी में ही सीधा इसको काटती हूँ ताकि इसको पानी से धोऊँ तो जो पानी है जो अच्छे से निकल जाए तो बस यहाँ पर आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई है तो मैं कुकर में ही सब्जी बना रही हूँ वरना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ सब्जी कुकर में रेर ही बनाती हूँ क्योंकि मैं कुकर की सब्ज़ी बहुत कम पसंद करती हूँ मैं ऐसे ही जो तड़का देती हूँ लेकिन कभी कभी जब मुझे देर हो जाती हो तो चलता है तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो कचरा गिरा था मैंने सब्जी काटी थी तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म में सी पड़ा रहता है तो फिर खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो बस यहाँ पर राई खत्म हो चुकी तो वही मैं निकाल रही थी और किचन के एग्जस्ट फैन की स्विच चालू करना भूल गई थी वो भी मैं कर रही थी ताकि जब भी मैं तड़का देती हूँ तो जो उसका धुआं है वो किचन की बाहर की तरफ निकल जाए तो बस यहाँ पर तड़का देने के बाद यहाँ पर मैं कुकर को इस तरीके से ढक दूंगी ताकि जो भी तेल के छिट्टे वो टाइल्स के ऊपर ना गिरे तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ तो किचन की टाइल्स जो बहुत बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है तो बस तड़का मैंने दे दिया है और कुकर को ढककर रख दूंगी ताकि सब्जी भी हो जाएगी और साइड में चावल है वो भी चढ़ा दूंगी तो यहाँ पर आटा छान लिया है उसका डो भी बना दूंगी तो बस इसी तरीके से जो मल्टीटास्किंग कर, कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है तो बस इतने सारे जो आज कपड़े निकाले इसमें मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो लगे हाथ जो मैं आयरन के कपड़े निकाल रही थी तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ तो आटा भी गुथ लिया अब बस सिर्फ रोटी बनाना ही बाकी है तो गर्मा गर्म गरम रोटी बनाऊंगी फिर खा लेंगे तो बस यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है उसको किचन की सफाई कर दूंगी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तो इसी तरीके से जब भी मैं काम करती तो किचन को लगे हाथ साफ़ कर ही देती हूँ तो हो चुकी है शाम तो हम लोग जा रहे हैं भुज तो बस रास्ते में है मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे कहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ पेमेंट तुम्हें ही करना इसलिए मैं मुंह बना रही थी तो हम पहुंच चुके हैं भुज के शोरूम में तो यहाँ पर मुझे ख़रीदना है फ्रिज वैसे तो मेरे पास है लेकिन मुझे डबल डोर का ख़रीदना है इसीलिए मैं आ चुकी हूँ तो मैं सारे फ्रिज देख रही हूँ और बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कौन सा ख़रीदूँ और कौन सा नहीं ख़रीदूँ तो इसी तरीके से सारे फ्रिज में एक के बाद एक देख रही थी तो सब फ्रिज में देख लेती हूँ फिर डिसाइड करती हूँ कि कौन सा खरीदती हूँ और कौन सा नहीं ख़रीदती हूँ तो कुछ और भी थे तो मैंने सोचा पहले ऊपर भी देख कर आती हूँ मुझे ओवन भी ख़रीदना था तो मैंने वॉशिंग मशीन सब चीज़ मैं यहीं से ही खरीदती हूँ तो बस मैं आ चुकी हूँ ऊपर तो बस वही चीज़ें यहाँ पर ओ टी ओवन सब मैं देख रही थी और यहाँ पर ये आटा चक्की है जो घर पर पीसते हैं हम उसको बोलते हैं घर टी तो वही सब देख रही थी कि किस तरीके से यार नहीं है आते हैं तो फिर अलग अलग सारी चीज़ें होती है तो मैं इसी तरीके से सब चीज़ें बारीकी से देखती हूँ क्या है क्या नहीं है तो बस यहाँ पर कुछ मैं फोटो दिखा रही थी कि इस तरीके का फ्रिज के अंदर मुझे चाहिए तो वही भैया देख रहे थे तब तक यहाँ पर मैं दिख रही थी जो माइक्रोवेव ओवन ओ सब था वही मैं देख रही थी लेकिन मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए था तो वो था नहीं वैसे तो ये मीडियम साइज है लेकिन मेरा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही छोटा है इसीलिए मैं देख रही थी अब देखती हूँ आगे सोचती हूँ कौन सा लूं और कौन सा नहीं लूं तो बस वही सारी चीजें यहाँ पर मैं देख रही थी तो अब चलते हैं नीचे फिर से देखते और फ्रिज तो ये फ्रिज पे तो मेरा इतना दिल आ गया है कि बहुत ही मेरे दिल को भाग गया है बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन क्या करूँ मेरे घर के अंदर स्पेस ही नहीं हो रहा है कि मैं इसको रख पाऊँ तो इस फ्रिज ने तो मेरा दिल चुरा लिया है मुझे बहुत 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 ही पसंद आ गया है लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था कि मेरे जो घर के अंदर थोड़ा सा आएगा नहीं तो बस इसीलिए हम घर जाकर नाप लेंगे उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी तो यहाँ पर आ गए हम सोने की दुकान पर तो मैं कुछ देख रही हूँ आप देख सकते यह सोने का ब्रेसलेट जो इस तरीके से हम मंगलसूत्र गले में पहनते इस तरीके के मोती के अंदर ये ब्रेसलेट है तो बस सारे यहाँ पर ब्रेसलेट में देख रही थी तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा सा काम था यहाँ पर तो इसीलिए ये इस दुकान पर आ गए थे तो ब्रेसलेट की बहुत ही अच्छी डिजाइन है और यहाँ पर आज के जो सोने के भाव है जो वो लिखे हुए आप देख सकते इस तरीके के आज के क्या भाव है वो लिखे हुए है तो ये पैर में पहनने का चांदी का जो पायल आता है ब्लैक धागे में वो मैं देख रही थी लेकिन मुझे एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आई तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मुझे बहुत ही पसंद आया लेकिन थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था मुझे छोटा चाहिए था वैसे तो ले सकती हूँ लेकिन कुछ मेरी हस्बैंड की जो चीज़ है वो हमने ऑर्डर कर दी तो फिर मेरा रहने दिया तो मैं दोबारा खरीदूँगी क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके से हम बनवाते हैं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो इसीलिए मैं मुंह बना रही हूँ कि नहीं मुझे बड़ा नहीं चाहिए मुझे छोटा चाहिए तो वो मैं कराऊंगी तो सही लेकिन बाद में क्योंकि अभी पिछले साल ही मैंने मंगलसूत्र करवाया है तो इस बार मेरे हस्बैंड की बारी तो ये भी सोने का आप देख सकते कंगन भी बोल सकते ब्रेसलेट भी बोल सकते तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन थी लेकिन अभी मेरी बारी नहीं है अभी मेरे हस्बैंड की बारी मैं कराऊँगी लेकिन इसके बाद कराऊँगी तो जब भी मैं कराऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो बस रास्ते में आ चुके हैं यहाँ पर आइसक्रीम खरीदने के लिए लेकिन बहुत ही देर हो रही थी मेरे हस्बैंड को उसे जाना था तो फिर हमने आइसक्रीम ले ली तो हम गाड़ी में बैठ कर खाएँगे तो बस मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई उसे बहुत ही कम पसंद है आइसक्रीम तो मैं और दिया खा रहे थे आइसक्रीम तो मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर ली है और दिया ने ब्राउनी ली है तो उसको वो पसंद है तो घर आकर सीधा मैं इस तरीके से नाप लेने लग गई थी और ये फ्रिज नहीं आएगा वही मैं बोल रही थी क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत है तो मैं वही नाप कर रही थी लेकिन वो फ्रिज मुझे बहुत 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 ही पसंद आ रहा है लेकिन क्या करूँ स्पेस कम है घर छोटा है तो दिल तो बोल रहा है कि वो ले, ले लेकिन दिमाग बोल रहा है कि फिर बहुत ही इस तरीके से भरा भरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है तो इसीलिए यहाँ पर मैं नाप कर रही हूँ क्योंकि हम फ़ोन कर कर बोलेंगे उसको कि फ्रिज कौन सा भेजना है लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक दो और जगह भी जाकर देखती हूँ तो यहाँ पर मैं ओवन रखना है तो वो भी मैं यहाँ पर नाप ले रही थी तो जो साइज़ मैंने देखी है वो बहुत ही बड़ी है तो वो भी मैं बोल रही थी कि स्पेस नहीं है तो बस ये हमारा माधापर में ही मैं एक और शोरूम है तो वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर देखने आई हूँ तो भूत से जो इसके कम प्राइस है तो मैंने सोचा है कि फिर वही चीज़ है तो ज़्यादा पैसा क्यों देना तो मैं तो कोई भी अगर बड़ी चीज़ लेनी है तो फिर एक दो दुकान घूमना ही चाहिए ताकि हमें भाव का पता चले कि कौन सी चीज़ का क्या प्राइस है तो वही फ्रिज यहाँ पर कम प्राइस में था तो बस मैंने सोचा है कि अब देखते हैं क्या करते हैं तो बस आज का वीडियो इतना ही अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय